हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू डॉक्टर वंस अगेन। कैसे हैं आप? हो थिंग इज फाइन। तो आज हम लाए हैं क्वेश्चन आंसर सेशन। काफ़ी अवेटेड होता है सेशन, काफ़ी लोग अपने क्वेश्चंस का वेट कर रहे होते हैं आंसर्स के लिए, तो मुझे भी पसंद है। और थोड़ा लंबा हो जाता है क्योंकि इसमें काफ़ी कमेंट्स मैं ट्राई करता हूँ लेने के लिए मैक्सिमम। और अगर आप नए हैं चैनल पर तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। और इसमें हम ऐसे इस चैनल पर ड्रोन से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन देते हैं, एंड बाद में एक हफ्ते में एक दो बार क्वेश्चन आंसर सेशन करते हैं। इसमें आपके कमेंट्स को मैं पढ़ता हूँ और रिप्लाई करता हूँ, ऑलमोस्ट सभी कमेंट्स को मैं पढ़ता हूँ। तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। तो स्टार्ट करते हैं, ये मिस्टर गौरव सिंगल ने मुझे कमेंट किया था, इसमें मैंने वीडियो बनाया था। सर, मुझे डाइक्रे SG906 20,000 में मिल रहा है 4K अमेजोन पर। तो मैं ये बेसिकली वही पूछ रहे हैं इनको। इन्होंने मुझे बताया था कि अमेजोन पे ये तब मैंने चेक किया, फॉरन सेलर भी आ रहे हैं, तो फॉरन सेलर से आप मत लीजिए। आसिफ जी कह रहे हैं यू आर द ग्रेटेस्ट सर। थैंक यू मिस्टर आसिफ फॉर सच अ ग्रेट कमेंट। ऐसे कमेंट्स हमें अच्छे लगते हैं, प्रोत्साहन बढ़ाते हैं, तो मेरे को स्टिमुलेट करते हैं और से और मैं वीडियो बनाऊँ। थैंक यू वेरी मच। आयुष चक्रवर्ती कह रहे हैं इंट्रो का वीडियो एकदम बकवास है, थोड़ा चेंज कीजिए, ट्रोन लिफ्ट कुछ कीजिए। वीडियो अच्छा है जो होता ही है, इंट्रो कुछ स्पेशल कीजिए। ये बेसिकली इंट्रो मैंने नहीं बनाई थी, ये मेरे एक सब्सक्राइबर हैं, ही इज़ वेरी गुड फ्रेंड ऑफ माइन शौर्य गोयल, एंड ही इज जस्ट 13 ईयर ओल्ड, और एट दैट एज ही इज़ मेकिंग इंट्रोज लाइक दैट, सो इट इज़ वेरी ग्रेट। तो बाकी आपकी बात मैं समझ गया। तो फिलहाल मैंने इंट्रोज मैंने रखी नहीं हुई अपने वीडियोज़ में, इससे आपको पता ही है। और जब भी मैं रखूँगा तो आपका सजेशन ज़रूर रखूँगा, क्योंकि पर्सनली मैं भी चाहता हूँ कि अगर इंट्रो तो ड्रोन शॉट्स उसमें थोड़े बहुत दिखें, तभी क्योंकि ड्रोन चैनल है तो ड्रोन से रिलेटेड इंट्रो होनी चाहिए। थैंक यू फॉर द सजेशन। शौर्य गोयल इज किंग, न्यू इंट्रो इज कमिंग सून, ही इज मेकिंग अनदर इंट्रो। आपकी एक मिली भी थी पर उसका फॉर्मेट थोड़ा अलग है, प्लीज़ सेंड मी इन MP4 शौर्य इफ़ यू आर लिसनिंग टू दिस। सर, डीजे ऐप का भी एक्सप्लेन कीजिए ना फुल। डीजे ऐप के ऊपर फुल ज़रा बड़ा कमेंट लिखिए ताकि समझ आए किस एस्पेक्ट की आप बात कर रहे हैं, तो ज़रूर आपका वीडियो बनेगा। ये मिस्टर अमित पवार पूछ रहे थे। अमित पवार, सेटिंग कुछ समझ नहीं आती ना, इसलिए सेटिंग्स के ऊपर कह रहे हैं। सेटिंग्स में बहुत तरह की हैं, मैं काफ़ी समझा भी चुका हूँ, फिर भी थोड़ा डिटेल बताइए किस तरह की सेटिंग आप चाहते हैं कि मैं डीजे ऐप के ऊपर एक फुल वीडियो बनाऊँ। व्लॉगर आसाम सर, स्पार्क ड्रोन टेक ऑफ में प्रॉब्लम आ रहा है, जब टेक ऑफ करवाता हूँ तब ड्रोन ऊपर नीचे जंप करता रहता है, थोड़ा और ऊपर नीचे आता है, ऐसा क्यों हो रहा है? पहले तो आप कंपास कैलिब्रेशन कर रहे हैं या नहीं ये बताइए, और अगर ऐसा कुछ हो रहा है तो GPS सिग्नल सही आ रहा है या नहीं। ये सब कुछ अगर ठीक है तो एक बार अपनी ऐप को अपडेट कर लें, और अपडेट्स के बाद ये सारी कैलिब्रेशंस करने के बाद कंपास कैलिब्रेशन ज़रूर करें, बाकी कैलिब्रेशन करें ना करें, और फिर उड़ाएँ, फिर ये प्रॉब्लम आती है तो कुछ मेजर प्रॉब्लम हो सकती है, फिलहाल अदरवाइज़ आपका अपडेट के बाद ठीक हो जाएगा। मिस्टर व्लॉगर आसाम। गौरव सिंगल, amazon.in पर इंटरनेशनल ड्रोन मिल रहा है सर एक बार, ये फिर से इनका कमेंट आ गया, मैंने चेक कर लिया है। फौजी जी कह रहे हैं फर्स्ट लाइक, थैंक यू वेरी मच फौजी जी। ध्रुव कुमार कह रहे हैं बट सर amazon के प्राइसेस बहुत ज़्यादा हैं। हाँ, amazon के प्राइसेस आपको ज़्यादा मिलते हैं, लेकिन जो कन्फर्म्ड है COD करवाते हैं वो आपको ड्रोन पक्का ला के देंगे आपके हाथ में, तो इससे आपका वेस्ट नहीं होगा पैसा। क्योंकि अगर आप अपने आप bangoo.com या us.com से मंगाएंगे तो होगा क्या, तो आपका जो ड्रोन भी मिलेगा पैसे भी चला जाएगा, तो एक चीज़ तो मिलनी चाहिए ना, तो इसलिए अमेजोन इज सेफ। विराज व्लॉग सर जी, अमेजोन पे COD 30 के अबव अलाउ नहीं है और ड्रोन 56 तक है, ऐसा कुछ नहीं है विराज, आपको गलत फहमी है कुछ। ये सेलर के ऊपर डिपेंड करता है कि वो COD प्रोवाइड करवाना चाहता है या नहीं, इट्स नॉट लाइक दैट कि कुछ लिमिट है या कुछ ऐसा कुछ नहीं है। फौजी सूद कह रहे हैं सर एक क्वेश्चन था जी आपसे, अगर हम चाइनीज वेबसाइट का कोई ड्रोन ऑर्डर करें और वो बाय एयरशिप ना हो रहा हो तो क्या लेना सेफ होगा, प्लीज़ सर जी बता दो। देखिए लीगली तो इट इज़ नॉट अलाउड, तो बाहर से करेंगे तो कई बार बाय शिपिंग से आता है, फिर भी कहीं ना कहीं वो चेकिंग में फंस जाता है। बाकी आप डिटेल बताइए कैसे आप कह रहे हैं चाइनीज साइट से, वो बाय शिप कई बार कहते हैं, पोस्टल ऑर्डर पोस्टल से भी कहते हैं मैं पोस्ट भेज देंगे थोड़े दिन लगेंगे, बट कहीं ना कहीं वो फिर चेकिंग में फंसता जरूर है, तो मत करिए, बाहर से मत करिए इम्पोर्ट। ध्रुव कुमार कह रहे हैं सर एक्सीडेंट्स तो प्रोफेशनल ड्रोन फ्लायर के साथ भी होते हैं। यस, होते हैं बिल्कुल, तो हमारे लिए भी कुछ टिप्स बताइए। देखिए जो मैं टिप्स बताता हूँ वो ज़रूरी नहीं है सिर्फ बिगिनर के लिए हैं, जो प्रोफेशनल लोग हैं वो भी, जिनको अच्छे से नॉलेज है वो भी उसको, कई बार ऐसा होता है कि हम कुछ बिगिनर चीज़ फॉलो नहीं कर रहे होते हैं, मतलब बड़ी बड़ी चीज़ें फॉलो कर रहे होते हैं छोटी चीज़ें भूल जाते हैं,
मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, जो भी ड्रोन फ्लायर अगर प्रोफेशनल भी है और काफ़ी ट्रेंड है, फिर भी आपके अंदर क्षमता होनी चाहिए कि बिगनर भी कुछ आपको सीखने को मिल सकता है। तो मेरी अपनी आदत है, मैं भी कोई भी ऐसा अगर बिगनर वीडियो भी कहीं मिलता है देखने को, मैं देख लेता हूँ, उससे कुछ ना कुछ आपको सीखने को मिलता है, कुछ गलती जो आप कर रहे हैं वो पता लगती है। तो एवरीथिंग इज़ एप्लीकेबल टू एवरीबडी सेफ्टी के मामले में। दत्तात्रेय चेतन जी कह रहे हैं, नहीं तो मेरे जैसा हो जाएगा, ही इज़ रेफरिंग टू सेम। डीजे फैंटम की बैटरी का प्रॉब्लम आ रहे हैं, बैटरी फूल रहा है। बैटरी फूलने का मतलब ये है कि आपकी बैटरी के जो स्वेल हो रही है और उसमें जो लिक्विड होते हैं, मतलब वो प्रॉब्लम कर रहे हैं, तो सून आपको बदलनी पड़ेगी। सॉ टॉक, आई विल बी बाइंग ए डीजे स्पार्क इन कनाडा नेक्स्ट वीक एंड ब्रिंगिंग इट बैक टू इंडिया विद मी। विल देर बी एनी प्रॉब्लम इन द कस्टम्स? यस ऑफ कोर्स, आई देर विल बी प्रॉब्लम। सो इफ आई फ्लाई इट विदाउट बींग रजिस्टर्ड, हाउ इज इट डिफिकल्ट विद मी टू गेट इन ट्रेवल? एनी एडवाइस टू हाउ टू ब्रिंग इन द लगेज? मिस्टर शॉर्ट हग, एट प्रेजेंट इट इज़ नॉट अलाउड एट द एयरपोर्ट। सो द बेस्ट टेक्निक एवरीबडी इज यूजिंग और बेस्ट टिप एवरीबडी इज फॉलोइंग, इफ दे आर गेटिंग ड्रोन फ्रॉम आउटसाइड और सो दे डिसमेंटल द ड्रोन एंड देन दे ब्रिंग एंड बी कॉन्फिडेंट दिस वर्क्स फॉर 90%, पर 10% यू कैन बी एट रिस्क, सो इट्स नॉट 100% सेफ। एंड इफ यू वॉन्ट टू फ्लाई योर ड्रोन विदाउट एनी रजिस्ट्रेशन, देन यू हैव टू फ्लाई ऑन योर ओन रिस्क। इफ समबडी कंप्लेन्स अबाउट यू, देन यू कैन बी पनिश्ड और योर ड्रोन कैन बी टेकन फ्रॉम यू, सो कीप इन माइंड दिस। गैरी बराड़ कह रहे हैं, हैव वन हे वन क्वेश्चन, माई बेबी टू वाइल्ड फ्लाइंग इट गोज वेर इट वॉन्ट्स समटाइम, दिस इज द इंडिकेशन दैट योर ड्रोन इज गेटिंग इन टू एटी मोड एंड दैट मोड इज़ वेरी डेंजरस। और ये हो रहा इसलिए है कि आप कहीं कभी यार ऐसी जगह पर होते हैं जहाँ GPS सिग्नल नहीं होता। तो माई सजेशन इज़ ऑलवेज फ्लाई योर ड्रोन इन द सेफ एरियाज वेर यू गेट गुड GPS सिग्नल। गौरव गुलेरिया कह रहे हैं, हाय हाउ आर यू डीजे मैक ब्रो, कितने का मिल जाएगा दिल्ली में? ब्रो दिल्ली में रेट्स वेरिएबल होते हैं, आप जाके पता कीजिए। आई डोंट हैव एनी सच अपडेट। आदित्य रायकार, प्लीज़ अली एक्सप्रेस पे भी वीडियो बनाओ टेल ड्रोन के बारे में कि कस्टम्स लगेंगे कि नहीं। देखिए कोई भी बाहर की साइट है, चाइनीज़ अली एक्सप्रेस है, बैंगू डॉट कॉम है, कोई भी है, तो अभी इम्पोर्ट अलाउड नहीं है। तो लक की बात है, किसी का नहीं फंसता, बट 90% चांस है कि वो फंस सकता है। हेल्थ सप्लीमेंट एडवाइज़र, जैसे भी है वीडियो के लास्ट में इंग्लिश की माँ बहन कर ही डाली। अरे भाई इंग्लिश भी है, यहाँ जो मेरे व्यूअर्स हैं कई साउथ के हैं, अगर आपको नहीं मालूम, साउथ में हिंदी नहीं चलती इतनी। आई नो बिकॉज़ मेरे कुछ साउथ इंडियन फ्रेंड्स हैं, उनको प्राइमरीली में हिंदी नहीं पढ़ाई जाती, एंड अगर वो नॉर्थ में रहते हैं तब हिंदी सीख लेते हैं, बट इफ़ दे रिमेन इन साउथ दे डोंट नो हिंदी, दे आर फ्लुएंट इन इंग्लिश। तो और उनकी जो अपनी भाषा है मलयालम या तमिल, सो आई हैव टू स्पीक इन इंग्लिश फॉर देम। आप अपने व्हाट्सएप ग्रुप में मुझे ऐड कीजिए। श्योर, जैसे ही बनता है, मैंने वो अपग्रेड करना है, चल रहा था वो, उसमें मैं इतना एक्टिव नहीं हूँ, तो जैसे नया बनाऊँगा तो मैं आपको डाल लूँगा। राइडिंग जॉन, आई एम बिगनर एंड आई वॉन्ट टू बाई डी जे डेलो एज यू सेट प्रीवियसली, कम अंडर नैनो ड्रोन्स? या सो जस्ट वॉन्ट टू कन्फर्म दैट इज विल इट बी अलाउड टू कैरी इन डोमेस्टिक फ्लाइट इन इंडिया? रिगार्डिंग दिस आई हैव ऑलरेडी मेड ए वीडियो, यू कैन चेक दैट। और यहाँ पर मैं आपको ये कहूँगा कि येस इट इज़ इलीगल टू कैरी, बिकॉज दे कैन ऑल्सो टॉय ड्रोन्स कैन ऑल्सो बी कन्फिस्टिकेटेड। द ओनली वे टू ट्रैवल विद दैम इज़ बाई डिसमेंटल इट एंड नेवर कॉल इट ए ड्रोन, कॉल इट अ टॉय। जी हाँ, टॉय बोलिए उसको, कभी ड्रोन का नाम मत लीजिए। ऑफलाइन दिल्ली में कहाँ से लें? ये मैंने आपको रिप्लाई कर दिया था, कपूर फोटो वगैरह वाला भेजते हैं, और ऑफलाइन सस्ता पड़ता है। ट्रैवल एडवाइस सर, अगर हम पुलिस के सामने अगर ड्रोन उड़ाएं तो क्या होगा? अरे भाई पुलिस के सामने ड्रोन उड़ाओगे तो अंदर हो सकते हो, आपका ड्रोन छीन सकता है। अब रूल्स तो हैं, क्योंकि अभी आपके पास रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं है, और विदाउट रजिस्ट्रेशन नंबर और विदाउट परमिशन यू आर फ्लाइंग ड्रोन, तो आपका ड्रोन भी जा सकता है, तो आप भी अंदर जा सकते हैं, पर्चा लग सकता है। सर मैविक 2 प्रो वर्स फैंटम 4 प्रो, अच्छा आप चाहते हैं इस पर वीडियो बनाएं? ओके श्योर।
ब्लॉगर आसाम सर, अगर ड्रोन फ्लाई करने के बाद थोड़ी दूर जाने के बाद जीपीएस कनेक्शन डीएक्टिवेट हो जाए और एटी मोड एक्टिव हो जाए तो रिटर्न टू होम बटन प्रेस करने से वापस आएगा या नहीं? अगर आपने अच्छे से कंपास कैलिब्रेशन करके उड़ाया तो आइडली इट शुड कम। कैमरा कंट्रोल ऑप्शन इज अवेलेबल इन दिस बैंड। ये कोई मेरा पुराने बैंड का वीडियो का क्वेश्चन आ गया। यस, जो फिटनेस बैंड होता है उसमें कैमरा की ऑप्शंस आपको नहीं मिलती, जस्ट यू कैन क्लिक ओनली। कैमरा आपका फ़ोन का लग गया, उसमें कोई डिस्प्ले नहीं आएगा। SJRC S70W ड्रोन अवेलेबल है अमेजोन पर? अगर अवेलेबल है तो चेक कीजिए, अगर है तो कमेंट कीजिए कि हम औरों को भी बता दें कि वो अमेजोन पर अवेलेबल है, और COD होना चाहिए तभी लीजिएगा। नॉट सो इंटरेस्टेड इन, ये उस कैमरे की बात कर रहे हैं जो मैंने बताया। देखिए, एज ए ड्रोन चैनल मुझे सब कुछ यहाँ पर आपके सामने लाना है जो जो मुझे पता लगता है, क्योंकि आप इंटरेस्टेड नहीं है, मे बी कोई और इंटरेस्टेड हो। क्योंकि टॉय ड्रोन्स के मुझे कई पहले ईमेल्स आते रहे हैं कि हम बना रहे हैं ड्रोन, हमें कोई कैमरा बताइए जो उसमें लगा सके, तो वो मैंने सोच के लगाया था कि, और ये ड्रोन में ही नहीं, आप कहीं भी इसको यूज़ कर सकते हैं, काफ़ी बजट कैमरा है और काफ़ी अच्छी फुटेज है इसकी। सीमा शौकीन कह रहे हैं बहुत महंगा है, इंडिया में थोड़ा पड़ जाता है। इसका एक फायरफ्लाई वन वर्जन आता है, वो सिर्फ 3,000 रुपये का, वो ले लीजिए अगर आपको ज़्यादा महंगा लग रहा है। नए वाला 6,000 का आई थिंक। सीमा शौकीन, आई एम बाइंग ईशिन E58 फ्रॉम अली एक्सप्रेस, इट्स वेट इज लेस देन 250 grams, विल आई हैव प्रॉब्लम इन कस्टम, शुड आई बाय प्लीज टेल, डोंट इम्पोर्ट एनी ड्रोन फ्रॉम अली एक्सप्रेस। तो ये थे आज के क्वेश्चंस, कुछ रह गए होंगे वो नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, और जिसका नहीं हुआ तो प्लीज़ कमेंट दोबारा कर दीजिए, एंड प्लीज़ सब्सक्राइब एंड डू हिट लाइक, थैंक यू, एंड शेयर प्लीज, या शेयर आल्सो, बाय बाय के लिए, बाय बाय बाय।